नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, थॉमस कप 2022 इंडिया ने जीत लिया है और एक इतिहास रच दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की टीम ने थॉमस कप जीत लिया है। बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन का, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड उसको बताऊंगा। इसके बाद एंड में हम लोग टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए योग्य होंगे और यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो एक बार हमारी भारतीय पुरुष टीम को दोस्तों थॉमस कप की बहुत सारी बधाइयाँ। पूरे भारत में चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, सभी लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और खेल मंत्रालय के द्वारा और साथ ही साथ भारतीय बैडमिंटन संघ के द्वारा 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की भी घोषणा की जा चुकी है। तो यहाँ से तो एक पॉइंट बन जाता है कि 1 करोड़ दोस्तों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने देने की घोषणा की हुई है और भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं करेंट टाइम पर हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर रखी है। तो 1-1 करोड़ ये दोनों की तरफ से दिए जाएंगे भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को। अभी तक के हम लोग अगर सफ़र को देखें कि इंडिया का फाइनल तक का सफ़र कैसा रहा, तो शुरुआत में इसने 5-0 से जर्मनी को हराया, फिर भारतीय टीम ने कनाडा को 5-0 से हराया, फिर चीनी ताइपे से ये हार गए 2-3 से, इसके बाद क्वार्टर फाइनल में 3-2 से मलेशिया को हराया और सेमीफाइनल में 3-2 से डेनमार्क को हराया और फिर फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके जीत लिया दोस्तों इतिहास में पहली बार थॉमस कप। थॉमस कप में अगर बात करें अभी तक सबसे ज़्यादा बार फाइनल मैच कौन खेला है, तो वो है डेनमार्क की टीम। सबसे ज़्यादा 32 बार इसने फाइनल मैच खेले हुए हैं। इंडोनेशिया ने 29 बार खेले हुए हैं, 29 में 14 बार सबसे ज़्यादा बार चैंपियन रही है। मलेशिया ने 21 बार फाइनल मैच खेले हुए हैं। लेकिन अगर बात करें टॉप 3 कंट्रीज जो मोस्ट सक्सेसफुल रही हैं, तो इसमें इंडोनेशिया रही है। इंडोनेशिया ने 14 बार सबसे ज़्यादा बार खिताब जीता है थॉमस कप का। चाइना ने 10 बार और वहीं मलेशिया ने 5 बार जीता है। अच्छा, ये थॉमस कप तो आप जान लिए, इसी से मिलता जुलता आपको इसी के साथ ही हमेशा नाम दिखेगा उबेर कप का। ये उबेर कप क्या होता है? तो थॉमस कप और उबेर कप दोस्तों दोनों एक साथ ही आयोजित कराया जाता है। उबेर कप में महिलाएं खेलती हैं, महिला के लिए जो होता है टूर्नामेंट वो होता है उबेर कप, और जो थॉमस होता है ये पुरुष खिलाड़ियों के लिए होता है। तो उबेर कप महिला खिलाड़ी के लिए, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट, और पुरुष खिलाड़ियों का थॉमस कप होता है बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल टीम इंडिया जो है ये पहली बार थॉमस कप जीत करके इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला की जो टीम थी वो उबेर कप से बहुत पहले ही बाहर हो गई थी, तो पुरुष टीम ही केवल चैंपियन बन पाई है। तो चलिए अब हम दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, टॉप 15 प्रश्नों को, जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। चूंकि अभी RRB NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है और लेवल 2, 3 और 5 का एग्ज़ाम अभी होने वाला है और CHSL का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस 2021 से पूछे जाए, क्योंकि अभी लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने देखा 2021 से सारे के सारे करंट अफेयर पूछे गए थे। तो यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हो ब्रह्मास्त्र ईबुक से, तो आप डेफिनेटली हर एक पॉइंट को कवर अप कर सकते हो बहुत ही साधारण भाषा में, सरल भाषा में, 100% कवरेज के साथ। अध्यायवार व्याख्या यानी टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर बना करके हर एक टॉपिक को कवर किया गया है जनवरी से दिसंबर 2021 की ये ईबुक है। इसको आप जा करके MZT ऐप से ले सकते हो। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी हर एक महीने की ईबुक आती है, 2022 की भी, 2020 में भी हर महीने की मिल जाएगी, 2021 की भी तो हर महीने मिल जाएगी, 2019 की भी मिल जाएगी। सारी चीज़ आपको MZT ऐप पर मिलेगी, तो आप जा करके इसे ले सकते हो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है। अगला है, थॉमस कप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो थॉमस कप की स्थापना हुई थी 1949 में स्थापना हुई दोस्तों, और ये 3-3 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता था, लेकिन आगे चल करके इसे 2-2 वर्षों के अंतराल पर कर दिया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1949 में स्थापना हुई थी, स्थापना बहुत पहले हो गई थी, लेकिन क्योंकि 3-3 वर्षों के अंतराल पर और 2-2 वर्षों के अंतराल पर होता है, इस वजह से अभी तक केवल 32 संस्करण ही इसके हो सके। ठीक है, अगला, थॉमस कप के संस्थापक कौन है?
तो थॉमस कप के संस्थापक हैं जॉर्ज एलन थॉमस, इनका नाम आप याद रखेंगे, इन्हीं के नाम पर इस कप का नाम थॉमस कप पड़ा, जॉर्ज एलन थॉमस। थॉमस कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि शुरुआत में तो तीन तीन वर्षों के अंतराल पर होता था, लेकिन अभी के टाइम पर दो दो वर्षों के अंतराल पर होता है। 1949 में दोस्तों जब स्थापना हुई तो इसके बाद से 1982 तक 1982 तक तीन तीन वर्षों के अंतराल पर होता था, ठीक है, तीन तीन वर्षों का अंतराल। लेकिन इसके बाद 1982 के बाद से अभी तक 2022 तक जो हुआ ये दो दो वर्षों के अंतराल पर होता है, ठीक है ना, दो दो वर्षों के अंतराल पर थॉमस कप और उबेर कप दोनों। अगला, 2022 में थॉमस कप का आयोजन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका 32वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है, ठीक है, कौन सा संस्करण? 32वां संस्करण। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था ये भी तो 32वां ही संस्करण था इस बार का, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, 2022 में आयोजित थॉमस कप कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया इसमें? इसमें दोस्तों 16 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया है, थॉमस कप जो हुआ भी उसमें 16 देशों की टीम थे। थॉमस कप का संबंध किस खिलाड़ियों के से है, किस प्रकार के खिलाड़ी से? तो ये केवल पुरुष खिलाड़ियों के लिए है, उपरोक्त तो दोनों मत लगा देना, ठीक है ना, महिला और पुरुष के लिए इसमें अलग अलग होता है। थॉमस कप केवल पुरुष खेलते हैं, उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं के लिए उबेर कप होता है, ठीक है ना, और भारतीय महिला टीम पहले ही बाहर हो गई थी जिस वजह से कोई रिजल्ट नहीं आया भारत के लिए, और केवल पुरुषों की टीम के लिए थॉमस कप होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए होता है? तो ये उबेर कप होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। थॉमस कप का आयोजन कहाँ पर किया गया 2022 में? तो इसका आयोजन दोस्तों थाईलैंड में किया गया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था, ठीक है ना। अगला, किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीत करके इतिहास रचा? तो भारत दोस्तों पहली बार विजेता बना है थॉमस कप का। सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल है इंडोनेशिया ने 14 बार जीता हुआ है। सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल है चाइना। भारत में कितने साल बाद थॉमस कप जीता गया है? तो भारत, देखो अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि भारत पहली बार जीता है, तो चाहे ऐसा कहो कि भारत पहली बार विजेता बना है, चाहे ऐसे कहो कि 73 साल बाद जीता है, क्योंकि 1949 से आप अगर जोड़ोगे तो 73 साल होते हैं 2022, तो 73 सालों के इतिहास में भारत पहली बार विजेता बना है थॉमस कप का। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे अगर हर प्रकार से तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप आंसर कर ले जाओ। अगला, थॉमस कप 2022 में उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता टीम रही इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को भारत ने 3-0 से हराया, 3-0 से हराया। इंडोनेशिया चैंपियन टीम है, इसको 3-0 से हरा दिया इंडिया ने फाइनल में। किस देश की टीम ने अब तक सबसे ज़्यादा बार थॉमस कप का खिताब जीता है? जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा बार जीता है इंडोनेशिया ने, ठीक है, सेकेंड पर है चाइना। किस देश की टीम ने अब तक सबसे ज़्यादा बार थॉमस कप का फाइनल मैच खेला है? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बार फाइनल खेला है डेनमार्क ने दोस्तों अभी तक 32 बार फाइनल खेला है, 32 बार, ठीक है ना, 32 बार फाइनल खेला है इसने। और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा बार विजेता रही है जिसने। अगला, इंडोनेशिया ने अब तक कुल कितनी बार थॉमस कप जीता है? तो 14 बार जीता है। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन थॉमस कप से। आई होप ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप एक टॉपिक अपना क्लियर कर पाओगे। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर कर ले जाओगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। MZT ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, उसकी फ्री में क्विज और PDF पाने के लिए। तो जाइए ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहीं पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। इन वीडियो कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हो। इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, तो आप GS और ग्रामीण प्रवेश, हिंदी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब भी ले सकते हो। NTPC के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो GS स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है। अगर आप अपने GS में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अभी भी बहुत मौका है, आप इसे ले सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।